हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया हिमरानी आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल बेबी उस फेयर में। इस चैनल के थ्रू हम बात करते हैं होने वाली मम्मी से और हो चुकी मम्मी से। क्या आपके बच्चे का पेट भर रहा है? और भर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भर रहा है तो पहले तो हम चेक करें। कैसे चेक करेंगे बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसका जो पार्ट टू है, यानी अगला वीडियो है, हम उस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि उसका सल्यूशन क्या है। अगर आपके बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, भर रहा है तो उसका तो भी सल्यूशन है कि आप अपने दूध को मेंटेन कैसे करें, बच्चे का पेट हमेशा भरता रहे जब तक आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है, उसको चेक करने का तरीका। सबसे पहला तरीका ये है कि आप देखें कि आप कितनी देर बच्चे को फीड कर रहे हैं। जनरली ऐसा कहा जाता है कि 15 to 20 minutes अगर बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है तो इट्स मोर देन इनफ, बहुत अच्छा टाइम है बच्चा का पेट भर जाने के लिए। अगर आप उसको बच्चे को लेके आधा घंटा पौना घंटा ऐसे बैठ रहे हैं, यानी 45 minutes भी बैठ रहे हैं, दैट मीन्स आपके बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। देन यू नीड टू चेक कि मेरे बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। दूसरा तरीका ये है कि आप बच्चे को बर्प दिलाइए। अगर उसको बर्प आ रही है, यानी डकार जो है, वो अगर यहाँ पे रख के जो डकार दिलाते हैं बच्चे को, अगर बच्चा आपका डकार मार रहा है तो दैट मीन्स उसका पेट भर रहा है, तभी उसको डकार आ रही है। तीसरा तरीका ये है कि आप बच्चे को, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, बार बार उठ जाता है, सुलाते हैं तो बहुत ज़्यादा रोते रोते उठ जाता है, सो आपको वो चेक करना है कि आपका बच्चा कहीं, देखिए जनरली बच्चे 2 से 3 घंटे की नॉर्मली नींद लेते हैं। अगर आपका बच्चा अच्छे से पेट भर के सोएगा तो 2 घंटे से 3 घंटे आराम से सोएगा। डॉक्टर्स भी कहते हैं every 2 hours हमको फीड करना चाहिए, तो वो उतने टाइम की नींद लेगा। अगर आपका बच्चा उससे पहले उठ जा रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, तो हमें वो चेक करने की ज़रूरत है। इसका एक्चुअली तरीका ये, आप जनरली लोग फीडर दे देते हैं, ऊपर का दूध दे देते हैं, फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं। आज हम जानते हैं कि आज के टाइम में कितनी ज़्यादा हमारे लिए हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चे की इम्यूनिटी जो है ना, वो माँ के दूध से ही बढ़ती है। तो उसको बढ़ाने के जो उपाय हैं वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। सो मेरे चैनल को और ये छोटे छोटे टिप्स को आप देखना चाहते हैं और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाएंगे तो मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।